Assalamu alaikum dear student, I am Shahid Abbas and you are watching Bakkar Student Information. तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन बक्कर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन से दी जाती है ये मुकम्मल तौर पर सच्ची होती है और बहवाला होती है, कभी भी फेक न्यूज़ बक्कर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन से नहीं दी जाती और ये पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के हवाले से इन्फॉर्मेशन चैनल है, इन्फॉर्मेटिव चैनल है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है एमए और बीए के स्टूडेंट के लिए है। बीए के और एमए में ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जो बीएस के फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट को दाखला मिल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव जो है ज़्यादा होती हैं बीएस के, क्योंकि वैसे तो जो अगर एमए की जाती है कॉलेजों में अगर करते हैं तो 8 से 10 हज़ार या 12 हज़ार से ज़्यादा एक्सपेंसिव आ जाते हैं, लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी में करते हैं तो वहाँ पर 18 हज़ार सेमेस्टर का जाता है या इससे भी कुछ यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा लगा देती हैं। तो ये जो है गरीब स्टूडेंट के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन है कि वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कर दी गई है, उनको अब इतना एक्सपेंसिव बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं, वो कॉलेज में भी एमए एमएससी कर सकते हैं। एचईसी ने कल ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो स्टूडेंट जिन्होंने एमए बीए में दाखिला लेना है तो वो इस साल ले सकते हैं नेक्स्ट मंथ में, लेकिन नेक्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होगा, आप नेक्स्ट ईयर में किसी बीए या एमए में दाखिला नहीं ले सकेंगे, लेकिन इस साल जो है आप दाखिला ले सकते हैं। एमए में भी आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड और इसके अलावा बीए में भी दाखिला ले सकते हैं। वैसे तो अब एडीपी और जारी हो चुकी है, जो एडीपी के तहत आप फिफ्थ सेमेस्टर में बैठ सकते थे, लेकिन अब एमए में भी आपका बैठना जो है आसान कर दिया गया है। एचईसी ने ये ऐलान कर दिया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और तमाम कॉलेज में एडमिशन भी जारी हो चुके हैं, और लास्ट डेट के हवाले से भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ।